तो सभी लोग तैयार है जी, सारा सामान जो है गाड़ी में वहाँ पर रख दिया है और अब चलते हैं सीधा अंदर। चलें क्रियांश, दादी को बाय बाय कह दो। लगभग हम लोग 1:30 बजे के करीब जिया के नानी घर पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर जो है पूजा पाठ सब होगा, फिर जाएंगे हम अपने नानी घर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी हम लोग कर रहे हैं अभी बाहर निकलने की तैयारी। आप लोग को टाइटल और थंबनेल से जो आइडिया लग ही गया होगा कि हम लोग कहीं पर निकल रहे हैं, और वहाँ जो निकल रहे हैं जी बहुत ही खास जगह है। जहाँ अभी जा रहे हैं वहाँ तो हमें जाना था दुर्गा पूजा के समय में ही, लेकिन दुर्गा पूजा के टाइम जो है जा नहीं पाए थे, क्योंकि घर को जो है अकेला छोड़ना उस समय मुश्किल था। तो अब जो है हम लोग जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अपने नानी घर, जिया भी जा रही है अपने नानी घर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा और जिया दोनों का जो नानी घर है सेम कैसे हो सकता है, तो 5 किलोमीटर के अंतर पर है। तो बात क्या है, हाँ तो क्रियांश भी चल रहा है, क्रियांश तो अपनी परनानी से मिल लेगा। मेरा जो नानी घर है वह भी वही है, जिया का भी जो नानी घर है वही है। मेरी नानी घर में मेरी बुआ भी रहती है, मेरी बड़े पापा की बेटी भी रहती है। अच्छा, और मेरे पिताजी की बुआ भी, हाँ का शादी उसी गांव। बिल्कुल, तो मेरी मम्मी और जिया की मम्मी, इन दोनों का जो जान पहचान है पहले से ही था, बचपन से। और मेरा बहुत सारा रिलेशन है मेरे फैमिली का, जो कि सोनू उतना नहीं समझेगा, वहाँ जाने के बाद अपने पता चल जाएगा कि सब लोग मिलने आएंगे। और हम कोशिश करते हैं कि तुम नहटा जाओ और आंटी से मिलो। आंटी से मिलने के बाद जो भी वहाँ का धार्मिक स्थल है सबका दौरा करो, सब भगवान से आशीर्वाद लो, और ननिहाल जा करके सभी पूर्व परिचित या वर्तमान परिचित जो भी है सबसे मिलो। बिल्कुल मिलेंगे, और एकदम हो भी चुका है 10-12 साल गए हुए, और महादेव करेंगे तो आपकी यात्रा सफल हो। बिल्कुल, और इधर जो है क्रियांश भी सो करके उठ चुका है, क्रियांश जो है सोया हुआ था। तो हम लोग सोच रहे थे कि आराम से जो है अपना बाकी सब काम जो है पैकिंग का सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अब जो है यह जग चुका है ना। पहले तो बेटी का जन्म होता था पढ़ाई घर में रहने के लिए, लेकिन वर्तमान युग में जो भी अच्छा बेटा है, जो पढ़ा लिखा है, जो कुछ करने लायक है, प्राय माँ बाप को से छोड़ के परदेश ही रहता है, क्रियांश भी रहेगा। इसलिए हम अभी से क्रियांश को बाहर भेज करके आदत डालते हैं कि हम क्रियांश के बिना यहाँ रह सके। अच्छा जी, तो ऐसी बात है, तो अब ऐसा करते हैं जी, जल्दी से आप अपनी सारी पैकिंग करते हैं। तो यहाँ पर जी बड़ा जैसा ट्रॉली उतार दिया है, इसमें इतना सारा कपड़ा है कि पूछिए मत, इसको उठाने में जो है हालत खराब हो जाती है। यहाँ तो चलिए हल्का था, फिर इसको डालना पड़ता है ऊपर, ऊपर रखो और नीचे उतारो, यही हमारा काम है, यही कुछ चल रहा है। बाकी क्रियांश को हमने जो है गोद में ले लिया है, तब तक जिया जो है अपना पैकिंग करेगी, तब तक जो है क्रियांश को संभालते हैं और क्रियांश को तैयार करते हैं। हम लोग का तो खाना हो गया जी, दादी या मम्मी के खाने की, आज बना हुआ चावल और बना हुआ कच्चू पत्ता का साग, उसका कचरी भी बनता है, दाल देखी भी बनता है, हम अपनी माँ से सीखे, भिंडी का भुजिया और सलाद। अच्छा, 20 मिनट्स लेटर सामान तो लगभग यहाँ सारा पैक हो गया है जी, क्रियांश भी नीचे चला गया है दादी के पास, वहाँ पर अपना जो है भोजन ले रहा है जी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम भी जाते हैं नहाने, तुम भी नहीं नहाई होगी अभी तक, पहले हम जाते हैं फिर तुम्हारा। One hour later. तो जी सभी लोग तैयार है और अब सीधा चल रहे हैं अपने साली साहब के यहाँ, वहीं पर हमारी गाड़ी पार्क रहती है, तो वहाँ से लाते हैं गाड़ी और फिर निकलेंगे हम लोग। और यहाँ क्रियांश है, दादी को ड्यूटी पर लगा करके रखा हुआ है। तो गाड़ी तो वहाँ आ गए जी, यहाँ पर इसको लगा दिया है, और इधर जो है सारा सामान भी पैक हो गया है, जिया भी बिल्कुल तैयार है, तो क्रियांश भी एकदम तैयार है। तो अब ऐसा करते हैं सामान लेकर के सीधा चलते हैं गाड़ी में। क्रियांश जो है यह सोया बिल्कुल नहीं है और जगह ही हुआ है, लेकिन मुंह कैसा बनाता है? अभी 20 मिनट सोया है अभी। अच्छा, 20 मिनट सोया है, हो गया क्रियांश कोटा तुम्हारा, हो गया इसका प्लास्टिक सब ले, चलें। A few moments later. यहाँ क्रियांश रेडी है जाने के लिए, इसको बोल रही है इधर लो क्रियांश, दादी गोदी में है एकदम, यहाँ पर दीदी सारा सामान रख रहे हैं, हो गया सारा सामान, और भी बताए कुछ बाबा। तो सभी लोग तैयार है जी, सारा सामान जो है गाड़ी में वहाँ पर रख दिया है और अब चलते हैं सीधा अंदर। चलें क्रियांश, दादी को बाय बाय कह दो, बाय बाय कह दो। जाने कौन नहीं है, तो बाबा हमको बहुत मारेंगे आएंगे तो। हम और क्रियांश वेट कर रहे हैं पापा का, पापा गए हैं झालमुड़ी लाने बिट्टू, है ना, यहाँ का झालमुड़ी बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग यहाँ साइड में गाड़ी रोक के पापा गए हुए झालमुड़ी लेने के लिए, फिर झालमुड़ी खा के फिर आगे चलेंगे, है ना क्रियांश। घर से तो हम लोग निकल गए जी, अभी रुके हुए हैं बीच रास्ते में एक झालमुड़ी की दुकान पर, और यहाँ का झालमुड़ी जो है काफी अच्छा लगता है, यहाँ कुर्सेला में है, अभी दिखाते हैं आपको। पापा, अरे पापा आ जाओ, पापा आ जाओ, पापा पापा आ गए, ले आए।
घर पहुंच चुके हैं और प्रियांश को देख सकते हैं। प्रियांश अपना खेल रहा है मामा के साथ और हम अभी लेटे हुए हैं। यहाँ प्रियांश दूध पी रहा है। हाँ तेल लगा दी। क्रियांश यहाँ पर अपना भोजन पानी कर चुका है ना, और भोजन पानी करके अभी क्रियांश खेल रहा है। और जैसे ही आया था क्रियांश इतना जोर से रो रहा था कि पूछिए मत। थोड़ा देर इसको चुप करने में लगा के बाद जैसे ही इसको अपना भोजन मिल गया क्रिया खेलने लग गया। इसको गाय का दूध इसका फेवरेट है। गाय का दूध है ना, और यहाँ का दूध और भी अच्छा लगता है। बिल्कुल जी। और हम लोग यहाँ पर आज पहुँच चुके हैं रात में, और कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से। हाँ तो वही क्रियांश के नानी घर, उसके बाद नानी घर चलेंगे, उसके बाद फिर हम भी अपने नानी घर वहाँ से चल रहे हैं। तो पूरा ये नानी घर का ट्रिप लग रहा है। देख सकते हैं पति देव के पीछे डोल रही है। कहाँ चलना है? ये भी बाथरूम जाएगा। चलो ओए मेढक। यहाँ मेढक है, ये आगे पीछे इसके डोल रही है, सोच रही है कि कौन आ गया मेरे घर। बिल्ली कहीं नहीं जा रहे। The next day. यहाँ क्रियांश उठ चुका है। गुड मॉर्निंग प्रियांश। गुड मॉर्निंग राधे 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 राधे। अब जी यहाँ पर हम लोग नहा धो करके हो गए हैं तैयार, और अब यहाँ से तैयारी कर रहे हैं अपने नानी घर जाने की। जैसा कि आपको बताया था कुछ देर पहले अपने वीडियो में देखा होगा, हम लोग जा रहे हैं अपने नानी घर। जिया भी अपने नानी घर जा रही है, और जिया के नानी घर से 5 किलोमीटर दूर होगा लगभग मेरा नानी घर, वहाँ भी चलेंगे। तो फिलहाल जो है जिया अपना तैयार हो रही है, और क्रियांश तो तैयार हो ही चुका है। सबसे पहले क्रियांश ही तैयार हुआ है, और भोजन पानी कुछ ऐसा करना है नहीं। हम लोगों ने किया है फलहार, और मंदिर जाएंगे वहाँ पर पहले पूजा करेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। पेट पूजा कल पूजा होगा, बहुत समय लग जाएगा, भूखे आप रह नहीं पाएंगे। तो बुआ भी जा रहा है अपने नानी घर और तैयार हो रहा है। इसको डर था कि हम लोग जो है लेकर के चले जाएंगे भागलपुर या कटिहार, तो बेचारा जो है तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन अब इसको भरोसा हो गया, जीजा जी वहाँ लेकर के नहीं जाएंगे। हाँ बुआ। और यहाँ से जी हम लोग चल रहे हैं, और क्रियांश देख सकते हैं अभी सोया हुआ है। थोड़ा जिया तौलिया अच्छे से, मम्मी थोड़ा तौलिया सर पर दे दीजिए उसका, धूप लगेगा उठेगा जोर से रोएगा ये। तो जी गाड़ी में आ गए हैं, क्रियांश और जिया जो है गाड़ी में बैठ चुके हैं, आने वाली हैं जिया की मम्मी और बउआ। क्रियांश का भी सुलाए ही रखना, क्योंकि जितना देर सोया है आराम से गाड़ी चलेगी, जैसे ही जगेगा तबाही मचेगी। चलिए बउआ बैठ गया, चलते हैं। चलो फाइनली जी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, और अभी हम लोग बीच रास्ते में पहुँचे हुए हैं। हम लोग शायद महेश खूट को जो है पार कर चुके हैं, और यहाँ से कितना किलोमीटर बचा हुआ है, मुश्किल से लगता है कि शायद 60 किलोमीटर के करीब बचा होगा। तो लगभग हम लोग 1:30 बजे के करीब जिया के नानी घर पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर जो है पूजा पाठ सब होगा, फिर जाएंगे हम अपने नानी घर। बाकी चलते हैं फिर, आगे का नज़ारा देखेंगे, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे रुक के तो फोटो शूट चल रहा है। प्रियांश को देख सकते हैं, प्रियांश अब उठ चुका है, इतना देर सोया रहा अब उठ गया। अब वो मजाएगा अपना, अच्छा अब एंजॉय कर लिए, अब हम करेंगे। मैं आया प्रियांश। अभी हम लोग रुके हुए हैं, सहरसा पहुंच चुके हैं ना। जी हाँ, बगल में ही सहरसा का रेलवे स्टेशन है, और आगे यह गोमती है जो बहुत देर से इसका जो है फाटक बंद है, और हम लोग पिछले लगभग 20-25 मिनट से यहीं पर हैं। और आगे बहुत लोग जा रहे हैं ना। हाँ, जिन लोग की भी बाइक है, जिन लोगों का भी साइकिल है, वो नीचे से निकाल रहे हैं। रोड से नीचे एक थोड़ा सा है गड्ढा टाइप से, उसके अंदर से निकाल लेते हैं, और हम लोग कर रहे हैं इंतजार बहुत टाइम से।